आज हम बनाएंगे कच्चे आलू से बिल्कुल क्रिस्पी करारी पकौड़े, और वो भी बिना बेसन का बनाएंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल सीमाज फूड स्टेशन। तो चलिए हम पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। पकौड़े बनाने के लिए हम कच्चे आलू ले लेंगे, उसको अच्छे से साफ़ करके छिलका हटा लेंगे। और क्या करेंगे, कच्चे आलू को इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस आपका पतला मोटा कोई भी हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से सारे आलू को हम कद्दूकस कर लेंगे। आप आलू अपनी आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे आलू को हम कद्दूकस कर लिए हैं। तो अब क्या करेंगे, कद्दूकस किए आलू को अच्छे से हम साफ़ करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से पानी ऐड करके 4 से 5 बार अच्छे से हम साफ़ करेंगे, ताकि आलू का सारा स्टार्च निकल जाए। और साफ़ करने के बाद से इस तरह से निचोड़ के इसे एक बाउल में रख देंगे। तो यहाँ सारे आलू को हम अच्छे से साफ़ करके एक बाउल में रख लिए हैं। और अब क्या करेंगे, एक कपड़ा इस तरह से डालेंगे और उस पर सारे आलू इस तरह से अच्छे से फैला देंगे। फैलाने के बाद या तो आप इसे 5 मिनट पंखा के नीचे रख दीजिए, या फिर इस तरह से किसी नैपकिन या कपड़ा से पोंछ लीजिए अच्छे से, ताकि आलू अच्छे से ड्राई हो जाए, तो इसमें पानी नहीं रहे। इसलिए इस तरह से नैपकिन से अच्छे से आप पोंछ लीजिए। आप कपड़ा से भी इसे पोंछ सकते हैं। तो यहाँ पर आलू को हमने अच्छे से पोंछ लिया है। तो अब क्या करेंगे, इस आलू को एक बर्तन में रखेंगे इस तरह से। और बर्तन में ऐड करने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 चम्मच चावल का आटा, और साथ ही ऐड करेंगे हम 2 चम्मच मैदा। आप यहाँ गेहूं का आटा भी ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, साथ में 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही ऐड कर देंगे 1 चम्मच सफ़ेद तिल। और सफ़ेद तिल ऐड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम धनिया पत्ती। धनिया पत्ती ऐड करने के बाद इन सारी चीज़ों को एक बार हम अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से। और आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम अभी नमक ऐड नहीं किए हैं। तो बिना नमक ऐड किए हुए सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिलाएंगे। चावल का आटा और मैदा हम बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा ऐड कर देंगे तो फिर आलू का जो क्रंचनेस होता है वो फिर नहीं आ पाएगा। तो अब अच्छे से मिलाने के बाद इसमें ऐड कर देंगे 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, और साथ में ऐड करेंगे हम स्वाद अनुसार नमक। नमक ऐड करने के बाद आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि नींबू का रस जो है पकौड़े को और भी क्रिस्पी बनाएगा। और इस तरह नमक को भी आलू के साथ अच्छे से मिला लेंगे। और अब क्या करेंगे, हाथ से इसे अच्छे से मैश करते हुए मिलाएंगे, क्योंकि नमक ऐड करने के कारण आलू जो है सो पानी रिलीज़ करेगा। उसी पानी से हम इस पकौड़े का डो तैयार करेंगे। यहाँ पानी का हम बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, एक बूंद भी पानी ऐड नहीं करेंगे। नमक ऐड करने के बाद आलू से जो पानी रिलीज़ होगा उसी से हम इसका डो तैयार कर लेंगे। तो जैसे जैसे हम इस तरह हाथ से मैश करते जा रहे हैं, वैसे वैसे आलू थोड़ा सॉफ्ट होते जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये डो के फॉर्म में आते जा रहा है। तो इस तरह इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। आलू, मैदा और चावल के आटा, साथ में सारे मसाले को अच्छे से मिलाने के बाद इसे हम इस तरह से पकौड़े का शेप देंगे, लेकिन बहुत दबाते हुए नहीं, बिल्कुल हल्के हाथ से इसे पकौड़े का शेप देंगे। पकौड़े का शेप देने के बाद चलिए अब इसे हम फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए हम यहाँ कढ़ाई में तेल ले लेंगे और इसे हम अच्छे से गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद एक एक करके इस तरह से हाथ से शेप देते हुए बिल्कुल हल्के हाथ से पकौड़े को तेल में ऐड कर देंगे। और तेल में ऐड करने के बाद इसे तुरंत से हम टच नहीं करेंगे, पहले नीचे से पकने देंगे, लेकिन ध्यान देंगे कि गैस का फ्लेम हाई होना चाहिए। और जब 30 सेकंड में नीचे से अच्छे से पक जाएगा तब इसे हम इस तरह एक एक करके पलट लेंगे। तो इस तरह एक एक करके सारे आलू पकौड़े को हम पलट लेंगे। और आलू पकौड़े को हाथ से बिल्कुल हल्के से शेप देने से तेल अंदर तक जाता है और आलू को अच्छे से क्रिस्पी करता है अंदर तक। अगर आप टाइट इसे शेप देंगे तो क्या होगा कि अंदर में तेल नहीं जा पाएगा और आलू पकौड़े अंदर से थोड़े से सॉगी बनेंगे। ऊपर से तो क्रिस्पी बन जाएंगे लेकिन अंदर से बिल्कुल सॉगी बनेंगे। अगर आप हल्के हाथ से शेप देंगे तो तेल अंदर तक जाएगा और अच्छे से इसे क्रिस्पी बनाएगा। तो इस तरह से दोनों साइड से उलट पुलट कर हम बिल्कुल क्रिस्पी इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसे दोनों साइड से हम अच्छे से क्रिस्पी फ्राई कर लिए हैं। तो इसी स्टेज पर क्या करेंगे, इसे बाहर निकाल लेंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से फ्राई करके हम बाहर निकाल ले रहे हैं और कितना बढ़िया कलर आया हुआ है और कितना क्रिस्पी बना हुआ है देखकर ही पता चल रहा है। तो इसे बाहर निकाल लेते हैं और इसी के साथ तेल गरम है तो दूसरे बैच का भी आलू पकौड़ा हम इसमें ऐड कर देंगे। तो सारे आलू पकौड़ा को ऐड करके दोनों साइड से उलट पुलट कर इसे भी हम क्रिस्पी बना लेंगे और जब बिल्कुल क्रिस्पी बन जाएगा तो इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे दूसरे बैच के पकौड़े को भी हम बाहर निकाल लिए हैं और यहाँ पर देख कर ही पता चल रहा है कि ये आलू पकौड़े कितने क्रिस्पी बने हुए हैं और वो भी बिना बेसन के। और आपको मैं तोड़ के दिखा रही हूँ अंदर से कितना क्रिस्पी है। तो चलिए अब इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन। और आप एक बार इस तरह से आलू पकौड़े ज़रूर बनाएं, ये काफ़ी क्रिस्पी बनता है और काफ़ी टेस्टी बनता है। तो लीजिए तैयार है बिना बेसन बिना पानी यूज़ किए हुए क्रिस्पी करारी क्रंची आलू पकौड़े। तो ऊपर से हम थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर देंगे, इसे आप सॉस के साथ या चटनी के साथ इंजॉय करें।